दोस्तों आज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे कि राजस्थान में जो नई रीट भर्ती का जो आयोजन होने वाला है तो इसका नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल सकता है, और उसके अलावा दोस्तों जो लेवल वन व लेवल टू, क्योंकि काफ़ी साथियों को जो डाउट था कि जो आरक्षण 50% दिया गया महिलाओं को वो सिर्फ लेवल वन में ही दिया गया है, ठीक है ना, लेवल टू में 50% आरक्षण नहीं दिया गया, ठीक है ना, इस चीज़ को आप नोट कर लेना, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब देखो दोस्तों, रीट नई भर्ती है उसका आयोजन कब तक हो सकता है। दोस्तों कल आपने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के माध्यम से भी आपने सुना होगा कि राजस्थान में नई भर्तियों का आयोजन है वो जल्दी ही किया जाएगा, ठीक है, और उसके अलावा शिक्षा मंत्री जी ने भी ये संकेत दिए थे कि जो रीट भर्ती है उसको एक ही पेपर के आधार पर, ना यानी एक संभावना है, कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन जो संभावनाएँ होती हैं उसका मतलब ये है कि आपको एक पेपर देखने को मिल सकता है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर नई रीट भर्ती से संबंधित आपको एक गुड न्यूज मिल सकती है। इसलिए दोस्तों मेरा तो इतना ही कहना है कि यदि आप थर्ड ग्रेड में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक गोल्डन चांस है। यदि आप कुछ नंबरों से पिछली भर्ती में वंचित रहे हैं तो आप ये मानकर चलना, यदि आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर देते हैं, सिर्फ आपको रिपीट करना है, क्योंकि सिलेबस में तो कोई संभावना है नहीं कि भाई चेंज होने वाला है।